थी बिलौस और गैर मुतजर हिमाएं और मदद को सोने के सिक्कों से दिखाया जा रहा। उस दौर में नवाब बहावलपुर की पाकिस्तान से मोहब्बत और अकील रोजे रोशन की माही आया। पुरानी आबादियों और मीठी बोलियों के साथ अपनी सहराओं नखलिस्तानों ऊंचों और गिरदों के साथ अपने मल्लों कब्रिस्तानों और मदरसों के साथ अपनी खानकाओं झोंकों और झरकों के साथ साथ उस शहर में और मोहल्लात और बाजारों के साथ अंदर से कदीम और बाहर से जदीद हमारा बहावलपुर पाकिस्तान के सीने में दिल कर आबासी खानदान के तमाम हुक्मरानों की तस्वीर इमारत पर अपनी हाथ दिखा दी। इस शहर के दरवाजे सबके लिए खुले, इस शहर ने सबके गले में हार डाल। नवाब बहावलपुर आले अब्बास अबू सफा इब्न मोहम्मद को 750 सदी ईस्वी में अब्बासी खिलाफत की बुनियाद बगदाद में लाए। बगदाद के 12 होने के बाद अब्बासी खानदान को मिस्र सुल्तान अहमद दोयम ने मिस्र छोड़कर सिंध में सुकून किया। मुस्तहकम और मजबूत मईशत की नमाज़ है।
یہاں پر یہ بات بھی قابل ذکر ہے, نواب آف بہاولپور نے صوفی شاعر حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کو تحفے کے طور پر ایک پہلی جہاز دیا جو اس دور میں لوگوں کی آمد و رفت کا مؤثر ذریعہ تھا, جسے سندھ فرانس معاہدے کے بعد انڈس سوئنگ کا نام دیا گیا.